हर एक हिंदू को ये रहस्य पता होना चाहिए, इस धरती के ऊपर जितने भी मंदिर है उनमें कुछ ऐसा छिपा है जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। ध्यान से सुनना, एक श्री कृष्ण है, श्री राम, ये तो भगवान है, लेकिन इनको भी इस धरती पे आने के लिए माँ के गर्भ का इस्तेमाल करना पड़ा। इस मनुष्य लोक में आने के लिए माँ के गर्भ के अलावा और कोई दरवाजा ही नहीं है, लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने एक ऐसा दरवाजा बनाया जिससे हम इस मनुष्य लोक से परमात्मा लोक में जा सकते हैं, और वो है मंदिरों के अंदर का गर्भगृह। इसीलिए उसे गर्भगृह कहा गया, क्योंकि वो माँ के गर्भ की तरह एग्जैक्टली काम करता है। कैसे? अब ध्यान से सुनना, आजकल ये जो हम बड़े बड़े मंदिरों में जाते हैं जहां हम एक सेकंड गर्भगृह में नहीं रहने दिया जाता, धक्का मार के निकाल दिया जाता है, इस चीज के लिए हमारे मंदिरों को कभी बनाया ही नहीं गया था, ये तो धंधा बन चुका है। आप अपने आसपास के किसी लोकल मंदिर में जाना, फर्क नहीं पड़ता किसका मंदिर है, बस उस गर्भगृह के अंदर जाकर बैठना। जैसे माँ के गर्भ के अंदर एक बच्चा बिना कुछ मांगे, बिना कुछ दिए 9 महीने तक आंख बंद करके समाधि में रहता है ना, आपको थोड़ा टाइम लगेगा हर रोज थोड़ा 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 गर्भगृह में जाकर बैठना। इसीलिए हमारे यहाँ कुल देवी और कुल देवताओं का कल्चर है, ताकि हर गांव हर सिटी के पास एक एक मंदिर हो, एक एक गर्भगृह हो, एक एक दरवाजा हो। माँ के गर्भ में आत्मा मनुष्य बनती है, मंदिर के गर्भ में वो आत्मा परमात्मा बनती है। समझो कि क्यों हमारे मंदिरों का आविष्कार किया गया, ये बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है जो हमारे पास है, लेकिन हमको इसका इस्तेमाल करना ही नहीं आता। हम लोगों ने मंदिर को भी माया बना दिया है। रोज गर्भगृह में जाकर 10-15 मिनट बैठकर तो देखो, धीरे धीरे अनुभव बदलेंगे। शिवम।